हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ध्यान कॉमर्स, द की ऑफ सक्सेस। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड प्रेस बेल आइकॉन फॉर नोटिफिकेशंस। थैंक यू। हेलो डियर स्टूडेंट्स, जय माता जी। वेलकम टू आवर ध्यान कॉमर्स ऑनलाइन क्लास। अब बच्चों, लास्ट दो महीने से जो कोरोना की सिचुएशन जनरेट हुई है, उसके कारण हमने लगातार ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पे ध्यान कॉमर्स के अकाउंटेंसी और स्टैटिस्टिक्स के डिफरेंट डिफरेंट वीडियो अपलोड करके स्टडी किया हुआ है। आप लोगों ने बच्चों अच्छी तरह वो सारे वीडियो लेक्चर्स अकाउंट स्टेट के देखे हुए हैं। अब बच्चों, लगातार स्टडी करने के बाद अगर स्टडी को एनालिसिस ना किया जाए, उसको चेक किया ना जाए, तो स्टडी का पर्पज हमारा सॉल्व नहीं होगा। इसलिए बच्चों, अब जो आपने टॉपिक स्टडी किए हैं, उसका हमने ऑनलाइन टेस्ट लेने का प्लान कंडक्ट किया है। तो आज बच्चों आपके सामने मैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग सब्जेक्ट के अंदर यूनिट 1 का ऑनलाइन टेस्ट कंडक्ट करने जा रहे हैं, जिसकी सारी इंफॉर्मेशन मैं आपके सामने डिस्कस करूंगा। अब यूनिट 1 के अंदर बच्चों फाइनेंशियल अकाउंट में टोटल 3 टॉपिक है। फर्स्ट रिडेम्पशन ऑफ रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल को रिडीम करना। सेकेंड, इश्यू ऑफ बोनस शेयर, सेकेंड टॉपिक है इश्यू ऑफ बोनस शेयर। एंड थर्ड, कंसोलिडेशन एंड सब डिवीजन ऑफ शेयर। ये तीनों टॉपिक को बच्चों यूनिट 1 के अंदर इंक्लूड किया गया है, जिसका हमें ऑनलाइन टेस्ट अप्लाई करना है। अब ये तीनों यूनिट को समझने के बच्चों ओवरऑल इसका पेपर साइज समझते हैं। गुजरात यूनिवर्सिटी के अंदर ये तीनों यूनिट में से एक डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन निकलता है, जिसके टोटल 14 मार्क्स है, और एक एमसीक्यू पैटर्न का क्वेश्चन निकलता है, जिसके टोटल 4 मार्क्स है। यानी इन गुजरात यूनिवर्सिटी एग्जाम टोटल ये तीनों चैप्टर्स आपको 18 मार्क्स की हेल्प करेंगे। अब 18 मार्क्स के अंदर बच्चों, अभी ऑनलाइन टेस्ट जो हमने प्लान किया है, उसके अंदर डिस्क्रिप्टिव टेस्ट लेना पॉसिबल नहीं है, तो हम स्टार्टिंग में आपके लिए एमसीक्यू पैटर्न का टेस्ट लेंगे। अब बच्चों, यूनिवर्सिटी ने जो तीनों टॉपिक आपके लिए यूनिट 1 में डाला है, उसका हम सिंपल एमसीक्यू टेस्ट लेंगे, जिसमें मैक्सिमम 20 एमसीक्यू या वन लाइनर क्वेश्चन होंगे, जिसका टोटल मार्किंग 20 होगा, जिसका टाइम लिमिट आपको 30 मार्क्स देंगे। अब बच्चों, ये 30 मार्क्स का टेस्ट आप अटेम्प्ट करोगे, तो उसके अंदर ये तीनों टॉपिक का डिस्कस ऑलरेडी यूट्यूब चैनल पे वीडियो लेक्चर्स में आ चुका है, और ऑलरेडी आपने क्लास में भी स्टडी कर लिया है, तो सारा मटेरियल आप लोग के पास अवेलेबल है। फिर भी बच्चों, इसका थोड़ा डिस्कशन हम लोग अभी लाइव लेक्चर में करेंगे, जिससे आपको टॉपिक को समझने में थोड़ी हेल्प मिले। और ज्यादा अच्छी तरह समझने के लिए बच्चों, आपको इसके एमसीक्यूज और शॉर्ट क्वेश्चंस ध्यान कॉमर्स की मटेरियल कॉपी में अवेलेबल है, तो आप इसको अच्छी तरह स्टडी करने के लिए साथ में मटेरियल कॉपी का यूज कर सकते हो। रिडेम्पशन ऑफ रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर, बच्चों टॉपिक का मेन कॉन्सेप्ट है, रिडेम्पशन का मीनिंग होता है रिटर्न करना, रिडीमेबल प्रेफरेंसेस यानी पूरा टॉपिक हमें रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर के अमाउंट या पैसे रिटर्न करने की प्रोसेस समझा रहा है। जब भी बच्चों कंपनी शेयर इश्यू करती है, रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर मोस्टली आफ्टर सम टाइम्स रिटर्न किए जाते हैं। रिडीमेबल का मीनिंग होता है रिटर्नेबल। अब जब बच्चों इस प्रकार के से रिटर्न करने हो, तो हमें कुछ इसके प्रोविजन या रूल्स पता होना चाहिए। सबसे पहला रूल्स है, रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर हमेशा फुल्ली पेड अप होने चाहिए, यानी पार्टली पेड अप प्रेफरेंस से रिटर्न नहीं कर सकते। सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग है, रिडीमेबल प्रेफरेंस रिटर्न करते समय हमें उसके अंदर दो प्रकार के सोर्सेज यूज करने हैं। फॉर प्रेफरेंस शेयर कैपिटल रिटर्न हमें सबसे पहले यूज करना है रिजर्व। रिजर्व के अंदर बच्चों जनरल रिजर्व, पीएनएल अकाउंट, वर्कमैन एक्सचेंज फंड एक्सेट्रा यूज कर सकते हो। और सेकेंड ऑप्शन है न्यू शेयर्स। न्यू शेयर्स के अंदर बच्चों हम इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस यूज कर सकते हैं। तो प्रेफरेंस रिटर्न करने का सबसे बड़ा रोल्स सोर्सेस के अंदर रिजर्व या फिर न्यू शेयर। अगर बच्चों प्रेफरेंस शेयर कैपिटल आप प्रीमियम से रिटर्न करते हो, तो उसे कहा जाता है रिडेम्पशन प्रीमियम, जिसके लिए हम दो प्रकार के सोर्सेज यूज कर सकते हैं। सबसे पहला सोर्स है सिक्योरिटी प्रीमियम।
जब कंपनी शेयर इश्यू करती है वो टाइम जो प्रीमियम रिसीव होता है दैट इज कॉल्ड सिक्योरिटी प्रीमियम। अगर वो अवेलेबल हो तो उसका यूज करो, ना हो हम यूज कर सकते हैं अदर कोई भी रिजर्व, लाइक जनरल रिजर्व, पीएनएल। इस प्रकार से बच्चों कैपिटल और प्रीमियम का प्रोविजन करने के बाद हमें प्रेफरेंस शेयर होल्डर को पेमेंट करना है और पेमेंट करने के बाद नया बैलेंस शीट प्रिपेयर करना है। अब इससे जुड़े हुए सारे शॉर्ट क्वेश्चन बच्चों ध्यान कॉमर्स की मटेरियल कॉपी में अवेलेबल है। नाउ वी आर टेकिंग सेकंड चैप्टर, इश्यू ऑफ बोनस सेस। जब भी बच्चों कंपनी शेयर कैपिटल इश्यू करती है वो इश्यू करने को कहा जाता है इंक्रीज्ड इन शेयर कैपिटल। कंपनी दो प्रकार से अपने शेयर कैपिटल में बढ़ोतरी करती है। सबसे पहले राइट शेयर, जब बच्चों कंपनी कोई नई ब्रांच ओपन करने वाली हो या बिजनेस को डेवलप करने वाली हो वो टाइम पे कंपनी को पैसों की जरूरत पड़ती है। वो स्पेशल पर्पस के लिए पैसों के लिए अगर कंपनी द्वारा शेयर इश्यू किए जाए और अपने प्रेजेंट शेयर होल्डरों को ऑफर किए जाए तो उसे कहा जाता है राइट शेयर, जिसमें कंपनी को कैश या बैंक रिसीव होता है और शेयर कैपिटल इंक्रीज होती है। सेकंड मेथड है बच्चों शेयर कैपिटल को इंक्रीज करना, जो आपके टॉपिक का मेन हेडिंग है, दैट इज कॉल्ड बोनस सेल्स। जिसके अंदर बच्चों जब कंपनी के पास कैश पोजीशन ना हो, यानी शेयर होल्डरों को पेमेंट करने के लिए कैश डिविडेंड ना हो, तब कंपनी द्वारा एक ऑप्शन या रास्ता यूज किया जाता है फॉर बेनिफिट टू शेयर होल्डर, दैट इज कॉल्ड बोनस सेल्स। तो बोनस शेयर ऐसे शेयर बच्चों जिसमें कंपनी अपने प्रेजेंट शेयर होल्डरों को पैसे लिए बिना विदाउट टेकिंग मनी फ्री ऑफ चार्ज एज अ गिफ्ट रिजर्व का यूज करके बोनस डिक्लेयर करती है, जिसे कहा जाता है बोनस सेस। इसके अंदर मात्र कंपनी रिजर्व का यूज करती है और शेयर कैपिटल इंक्रीज होती है। यानी बोनस शेयर की बच्चों दो इफेक्ट कह सकते हैं, एक रिजर्व यूज होता है, रिजर्व डिक्रीज एंड शेयर कैपिटल will be increased। अब रिजर्व में बच्चों बोनस के लिए बहुत सारे रिजर्व है, जैसे पीएनएल अकाउंट, जनरल रिजर्व, वर्कमैन एक्सीडेंट फंड, कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व, सिक्योरिटी प्रीमियम, ऐसा बहुत सारे रिजर्व का यूज कर सकते हैं। तो इस प्रकार से बच्चों राइट शेयर और बोनस शेयर का यूज करके अपनी शेयर कैपिटल को कंपनी इंक्रीज कर सकती है, जिसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट हमने ऑलरेडी स्टडी किया हुआ है। अब इसमें हमें खाली रूल्स ही याद रखना है बच्चों, जो एमसीक्यू में आपको मदद करेगा, सीआरआर एंड सिक्योरिटी प्रीमियम, ये दो रिजर्व ऐसे बच्चों जो मात्र फुल्ली पेड अप शेयर को बोनस में डिक्लेयर करने में यूज कर सकते हो, पार्टली पेड अप शेयर में ये दोनों यूज नहीं हो सकते। ये टॉपिक में से बच्चों रिजर्व के रूल्स पूछे जा सकते हैं, बोनस शेयर की एंट्री पूछी जा सकती है, राइट शेयर का मीनिंग आ सकता है, बोनस शेयर का मीनिंग, ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन आप लोग को प्रिपेयर करने हैं। नाउ वी आर टेकिंग थर्ड टॉपिक, कंसोलिडेशन एंड सब डिविजन ऑफ सेल। ये बहुत ही छोटा टॉपिक है बच्चों, जो ऑलरेडी हमें पता है कि दो दिन के अंदर हमने कंप्लीट किया है। अब ये टॉपिक के अंदर बच्चों मात्र शेयर कैपिटल का फॉर्म चेंजेस करने की इंफॉर्मेशन है। इसमें कंसोलिडेशन का मीनिंग होता है कोई छोटे छोटे प्राइस के शेयर को बड़ी प्राइस में कन्वर्ट करना, जिसके लिए हम एग्जांपल लेंगे। सपोज कंपनी के पास 10,000 इक्विटी शेयर है और शेयर की प्राइस है ₹10, टोटल वैल्यू ₹1,00,000 है। अब कंपनी चाहती है ये जो ₹10 की प्राइस है उसे कंसोलिडेट करके ₹100 में कन्वर्ट किया जाए, तो 10 की जगह पर प्राइस हो गई ₹100, टोटल वैल्यू सेम रहेगी ₹1,00,000। अब बच्चों आप 1,00,000 को 100 से डिवाइड करो तो शेयर की संख्या हो जाएगी 1000 शेयर, दैट इज कॉल्ड कंसोलिडेशन। यहां आप देख सकते हो कि जो ₹10 वाला शेयर है वो कन्वर्ट हो गया ₹100 में, ओवरऑल प्राइस पे कोई इफेक्ट नहीं हुआ। इसकी एंट्री होगी इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिटेड 1,00,000 टू इक्विटी शेयर कैपिटल। सेकंड एग्जांपल है बच्चों जिसके अंदर हमारे पास 10,000 शेयर है जिसकी प्राइस ₹100 है, इसको आप मल्टीप्लाई करो हम कह सकते हैं हमारे पास ₹10,00,000 हैं। अब कंपनी इसको कन्वर्ट करना चाहती है सब डिवीजन में, यानी जो बड़ी प्राइस है उससे छोटी प्राइस में कन्वर्ट करना चाहते हैं। सपोज कंपनी शेयर की प्राइस मात्र ₹5 कर देती है, अब यहाँ टोटल वैल्यू हमारे पास 10,00,000 है वो सेम रहेगी। अब यहाँ आप 10,00,000 को ₹5 से डिवाइड करो तो शेयर की जो संख्या है वो हो जाएगी बच्चों 2,00,000। दिस इज कॉल्ड सब डिवीजन। ₹100 का शेयर है उसको हमने छोटे छोटे ₹5 के पार्ट में डिवाइड किया। अब बच्चों थर्ड पार्ट हम स्टडी करने जा रहे हैं, दैट इज कॉल्ड कन्वर्जन ऑफ स्टॉक एंड कन्वर्जन ऑफ शेयर। अब बच्चों कंसोलिडेशन ऑफ सब डिवीजन में दूसरा पार्ट पढ़ना है, जिसमें कन्वर्जन ऑफ स्टॉक पढ़ना है। जैसे हमारे पास इक्विटी कैपिटल वाले बच्चों ₹100 की, अब इसको मैंने कन्वर्ट किया इक्विटी स्टॉक में ₹100 में,
जब बच्चों कंपनी मार्केट में अपने शेयर की प्राइस स्टेबल करना चाहे तो इस प्रकार का ऑप्शन यूज कर दिया जिसमें इक्विटी कैपिटल को स्टॉक में कन्वर्ट किया जाता है। तो उतने समय कंपनी के ना शेयर बिक सकते हैं ना परचेज हो सकता है, स्टेबल हो जाती है प्राइस। तो इसका अकाउंटिंग एंट्री समझना हो तो इक्विटी कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू इक्विटी स्टॉक। नेक्स्ट एग्जाम्पल है बच्चों, सपोज आपके पास इक्विटी कैपिटल है 100 रुपीज की, अब आप इसे कन्वर्ट करने जा रहे हो इक्विटी स्टॉक ऑफ 105 रुपीज। अब बच्चों आप 100 के सामने 105 रुपए का स्टॉक पेमेंट करोगे तो 5 रुपीज जो आपने एक्स्ट्रा पेमेंट किया है उसे कहा जाता है स्टॉक डिस्काउंट, इट इज ट्रीटेड एज ए डिस्काउंट। तो इसका अकाउंटिंग एंट्री करना हो तो इक्विटी कैपिटल अकाउंट डेबिटेड 100, स्टॉक डिस्काउंट अकाउंट डेबिटेड 5 टू इक्विटी स्टॉक 105। तीसरा पार्ट, सपोज आपके पास इक्विटी कैपिटल है 100, अब आप इसे कन्वर्ट करने जा रहे हो इक्विटी स्टॉक 95 में या 90 में। सपोज आप 100 के सामने 90 पेमेंट करने जा रहे हो, 10 रुपीज कम पेमेंट करोगे, दैट इज कॉल्ड स्टॉक प्रीमियम। यानी बच्चों कैपिटल के सामने अगर कम प्राइस हो तो इट इज ट्रीटेड एज अ प्रीमियम, जिसका अकाउंटिंग एंट्री करोगे इक्विटी कैपिटल डेबिट 100 टू इक्विटी स्टॉक 90 टू स्टॉक प्रीमियम 10। इस प्रकार से बच्चों कंसोलिडेशन एंड सब डिविजन के अंदर आपको ये तीन प्रकार की अकाउंटिंग एंट्री देखना है जिसके एमसीक्यू और शॉर्ट क्वेश्चन आपकी टेस्ट में आ सकते हैं। अब बच्चों जैसे लेक्चर पूरा होगा 10 और 15 सेकंड में मैं आपके व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर एक लिंक डालूंगा, वो लिंक आप क्लिक करोगे तुरंत उसके अंदर 1 से 20 क्वेश्चन होंगे जो आपको टिकिंग आउट करके और वन लाइनर क्वेश्चन लिख के तुरंत सबमिट करना है, जिसके लिए आपको टोटल 30 मिनट का टाइम दिया जाएगा। अब बच्चों पूरा क्वेश्चन और आंसर, आगे हमने स्टैटिस्टिक्स का टेस्ट लिया जिसमें बच्चों ने बहुत अच्छा रिस्पांस दिया है, तो हम आशा रखते हैं कि कोई भी बच्चे किसी में देखे बिना अपनी ईमानदारी से आराम से टेस्ट देंगे। दिस इज कॉल्ड योर सेल्फ इवैल्यूएशन बच्चों, तो हमें पूरी ईमानदारी से अपने आप टेस्ट देना है और सबमिट करके व्हाट्सएप ग्रुप में नोटिंग कर देना है। ओके, विद इन अ वन डे आपको इसका रिजल्ट हम लोग डिक्लेयर करके आपके फादर के SMS में सेंड करेंगे और व्हाट्सएप ग्रुप में भी डाल देंगे। थैंक यू। Please like, subscribe, share and press bell icon for notifications.